कोहिनूर जो मुमरा का सबसे बड़ा और पहला मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जो पिछले 11 सालों से ट्रस्ट वर्थी ब्रांड है, लाया है मुमरा का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस ब्रांड स्टोर, जहां मौजूद है सभी ब्रांड अंडर वन रूफ, वो भी शहर के बीचों बीच। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा, स्पेशल लोन ऑफर विथ जीरो डाउन पेमेंट, साथ ही पहले 200 कस्टमर के लिए स्पेशल गिफ्ट पैक। कस्टमर की हैप्पी रिस्पांस को देखते हुए अब और भी पर्सनलाइज सर्विस के साथ कोहिनूर सेलिंग जॉयफुली। अब न्यू लोकेशन पर ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बाय डॉक्टर दादन क्लिनिक मुमरा कौसा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के जुबली पार्क इलाके में, और जुबली पार्क से लगकर ही ये पहाड़ी इलाका है, झाड़ी है यहाँ पर, और आज शाम के वक्त में यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। दरअसल आपको बता दें कि ये डेड बॉडी जो है अमृत नगर के रहने वाले आवेश शेख की बताई जा रही, जो उनके मामी जो है यहाँ पर रहती थी जुबली पार्क में, यहाँ उनका हमेशा आना जाना हुआ करता था। उम्र करीब 18 से 19 वर्ष आवेश शेख की बताई जा रही है। परिवार वालों ने ये भी जानकारी दी है, जो उनकी मामी है उन्होंने बताया कि करीब 4 से 5 दिन पहले से ही आवेश शेख जो है वो मिसिंग थे, लापता थे, और पुलिस में भी इसकी शिकायत की गई थी। और आज जो है रफीक खान नाम के शख्स को कॉल आया, ऊपर जो है पहाड़ी पे वहां पर कोई घर है, उन्होंने रफीक शेख जो जुबली पार्क में यहाँ नीचे रहते हैं उनको बताया कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसके बाद इसके रफीक खान ने इसकी जानकारी मुमरा पुलिस को दी, और मुमरा पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि आवेश शेख की जो है हत्या की गई है, क्योंकि पुलिस ने वहां से पत्थर और छोटी कैंची वगैरह ऐसे सब तमाम चीज जो है बरामद किया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर हत्या किसने की, क्या वजह रही होगी कि आवेश शेख की हत्या की गई, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। परिवार के लोगों ने क्या बताया, और रफीक खान जिन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी उन्होंने क्या कुछ बताया है, आपको सुनाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से यहाँ पर जो आवेश शेख की जो डेड बॉडी मिली है वो बताया जा रहा है कि डीकम्पोज हो चुका था, यानी कि 4 से 5 दिन हो चुकी थी उसकी मौत हुए, बॉडी की जो हालत थी वो काफी खराब थी, और पुलिस ने जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, और जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी पत्थर कैंची वगैरह मिले वो अपने साथ लेकर गए, और पुलिस इस पूरे मामले की आगे तहकीकात कर रही है। लेकिन परिवार के जो उनकी आवेश शेख की जो मोमानी है उन्होंने क्या बताया, और रफीक खान जिन्होंने पुलिस को कॉल किया था उन्होंने क्या जानकारी, क्या नाम है आपका, और जो यहाँ पर जिसकी डेड बॉडी मिली है कब से मिसिंग थे वो कहाँ पर रहते थे? वो 14 तारीख को है ना आया घर पे, बोला कि मैं वहाँ जाने वाला दरगाह पे, ऐसा बोला कि दरगाह पे जाने का है, अपने घर वाले ने मना करे कि कोई जरूरत नहीं है, तो और वो किसी से बात भी फोन पे कर रहा था छुप छुप के, और वो नंबर डिलीट मार दे रहा था। वो कौन, क्या वो कोई उसका दोस्त था? कौन डिलीट मार दे, वही डिलीट मार दे रहा था बाहर जाकर, उसका नाम नहीं, उसका नंबर ही डिलीट मार दे रहा था। जिसकी डेड बॉडी मिली है उसका नाम आवेश है। अच्छा, कहाँ पर मिली है ये? वहाँ पे ऊपर। इस जगह का नाम क्या है जो किसी से बात कर रहा था? हाँ, वो किसी से फोन पे बात कर रहा था, उसके साथ उसको जाने का था दरगाह पे, कोई कहाँ पे कहीं पे, हम लोग ने पूछे भी नहीं, हम लोग ने उसको मना कर दिया जाना ही नहीं है, तो रात में ना 12 बजे चला गया वो, हम लोग को लगा यहीं कहीं है आ जाएगा ऐसे नॉर्मल, 14 तारीख को तो हम लोग को लगा यहीं कहीं है आ जाएगा थोड़ी देर में, सब करते करते इंतजार करे सुबह हो गया, तो उसने ऐसा रात में ऐसे बोला था कि मैं फजर में आ जाऊंगा, तो हम लोग को लगा वो चला गया वहाँ पे फजर में आ जाएगा, फिर फजर तक इंतजार करे नहीं हुआ, फिर 24 घंटा हुआ पुलिस स्टेशन में कम्प्लेंट लिखा है हम लोग ने, तो कम्प्लेंट लिखा है कम्प्लेंट वो हुआ, फिर उसके बाद शानू पठान है ना वहाँ पे गए, तो उन्होंने वहाँ पे फोटेज उनका वो नहीं थे उनके भाई से होकर के ये अपना मुमरा स्टेशन पे दिखाए फोटेज, तो उसमें दिखाया वो जाते हुए रात के 12:30 की ट्रेन में, थाना ट्रेन में, कितने तारीख को? 14 तारीख को। हाँ, वो दिखाया वो ट्रेन में जाते हुए, फिर उसके आगे का फोटेज तो नहीं मिला, तो आज मेरे भाईजान गए थे आगे का फोटेज देखने के लिए, तो उसमें ये अभी आज मैं आई थी यहाँ पे, तो उसमें ये सब खबर मिली कि यहाँ पे मिला है लाश, जो कपड़ा बता रहे हैं वही कपड़ा है, कपड़ा वही पहना है वो, गोल्डन कलर का वो है टी शर्ट। डेड बॉडी मिली वो किसकी है? वो मेरी ननन का बेटा है। नाम क्या? आवेश नाम है। इस जगह का नाम क्या है जहाँ डेड बॉडी? चंद्रपाड़ा बोलते हैं इसको।
क्या नाम है आपका? जाहिद मोहम्मद रफीक खान। कैसे आपको मालूम पड़ा है कि ऊपर पहाड़ पे डेड बॉडी है? पहाड़ पे एक आदमी ने इतला दी आगरी ने कि भाई वहाँ पर एक लाश गिरी हुई है और बहुत बात आ रही है। तो मैंने पहले उससे कंफर्म किया कि भाई लाश है कि जानवर है? बोला नहीं लाश है। तो मैंने आपको पुलिस में कंफर्म किया। जिसने फोन किया था आप उसको जानते? नहीं, आगरी है, ऊपर पहाड़ भी रहता है। तो आपने पहचाना किसकी डेड बॉडी है क्या है? मेरे को तो बाद में पता चला कि यही करीब में रहने वाले की लड़की, 14-15 साल का लड़का है। पुलिस 4-5 दिन से मिसकिन था, उसकी अम्मी ने कंप्लेंट लिखाई।